प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दुर्ग ने वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां भारी गड़बड़ी देखकर प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवनानी को कारण बताओ नोटिस थमाया, साथ ही सभी स्टाफ का एक माह का वेतन भी रोक दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन दिनों स्वास्थ्य अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर तत्पर नजर आते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र बेलचंदन वैशाली नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवयानी समेत कई स्टाफ हॉस्पिटल से निर्धारित मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवयानी की हाजिरी रजिस्टर में 1 फरवरी तक पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके थे। वहीं प्रसव व्यवस्था एवं कोरोना की तीसरी लहर को रोकने हेतु किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारियां नहीं की गई थी, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दुर्ग ने हॉस्पिटल प्रभारी कृष्णा देवयानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का 1 माह का वेतन रोक दिया है। ज्ञात हो कि वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत लंबे समय से स्वास्थ्य अधिकारियों को मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र बेलचंदन ने त्वरित कार्रवाई की। इस कार्रवाई से संपूर्ण दुर्ग जिले के स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। सर्वप्रथम मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर पहुंचा तो मैडम वहां की प्रभारी अनुपस्थित पाई गई और पता चला कि मैंने रजिस्टर देखा, उपस्थिति रजिस्टर, उसमें फरवरी 1 फरवरी में भी उनका साइन था और मेरा विजिट तारीख था 31 जनवरी। दूसरा, वहां पे जितने भी कक्ष हैं उनके रजिस्टर, जैसे कि ड्रेसिंग रजिस्टर है, लैब रजिस्टर है, ओपीडी रजिस्टर है, आईपीडी रजिस्टर है, ये पूर्ण रूप से संधारित नहीं थे। दूसरा, कोविड तीसरी लहर के लिए शासन के द्वारा प्रयास की जा रही है कि तैयारी अच्छे से रहे जिससे कि मौतें कम हो, वो तैयारी में कमी पाई गई। चौथा ये कि उनके जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में 6-7 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। वो स्वास्थ्य केंद्र, जैसे मैंने कुरुद SWC गया था, वहाँ पे भी ना डिलीवरी हो रही है न अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है स्टाफ नर्स का, RMA गए हैं, RMA के द्वारा पेशेंट दिया जा रहा है शुगर BP का, लेकिन जिस मापदंड के अनुसार SWC उप स्वास्थ्य केंद्र कुरुद का संचालन होना चाहिए वो 100% नहीं हो रहा था। अभी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं, हो सकता है उच्च अधिकारी द्वारा वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी और समस्त वहाँ के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि आप सुचारू रूप से सभी कार्यक्रमों का संचालन करें। सरकारी अस्पतालों सहित सरकारी महकमे की यही कहानी है कि अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से गायब रहते हैं। जिस प्रकार जिला स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, इसी प्रकार सभी सरकारी महकमे में कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सरकारी तंत्र भी अपने जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बने रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।